फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने बनाया है ढाबे वाली दाल फ्राई की रेसिपी। इसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का भी कह सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और बहुत टेस्टी लगती है। इसे रोटी, नान, राइस सबके साथ आप खा सकते हैं। मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। आप इसे देखिए और घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें चना दाल। ये तुअर दाल से भी बनाया जा सकता है। मैंने चना दाल लिया है, इसे मैंने 15 मिनट तक भिगा दिया था। अब मैंने लिया है एक कुकर जिसमें मैं ये चना दाल डाल दूँगी और इसमें जितना मैंने चना दाल लिया है उतना ही उसका डबल मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो इसमें मैं एक कप चना दाल ली थी तो मैंने 2 कप इसमें पानी डाल दिया है। और इसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। मैंने हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है मैंने इसमें। और अब कुकर की लिड को हम बंद करके इसे हाई फ्लेम पे 2 सीटी और लो फ्लेम पे हम इसको 4 सीटी पे इसको पका लेंगे अच्छे से। तो जब तक ये हो रहा है हम तब तक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच देसी घी, थोड़े से कड़ी पत्ते, 2 इलायची, जीरा, 4 साबुत मिर्ची, गार्लिक मिर्ची, 2 टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी। तो अब मेरी ये दाल गल चुकी है। इसे पूरी तरह से नहीं गलाना है, थोड़ा थोड़ा इसमें दाल का रहना चाहिए। इसमें इसी टेक्सचर में आप इसे बनाइए। तो तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने देसी घी ऐड कर दिया है 1 चम्मच। घी को हम मेल्ट होने देंगे। अब घी मेल्ट हो गया है, मैंने इसमें 2 इलायची डाल दिया है। इलायची थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे और जीरा को भी थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। जीरा और इलायची देसी घी में डालने से बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। और अब हम कड़ी पत्ता और 4 मिर्ची डाल देंगे सूखी वाली और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे छोटा छोटा कट करके। लहसुन को भी थोड़ी देर भून लेंगे हम। इसे ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा चला लेना है ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। अब इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, इसे भी थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे साथ में। मैंने इसे भून लिया है थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ इसमें डाल देंगे। तो मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ इसमें डाल दी हूँ और ये प्याज को भी हम थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। ये प्याज को भी हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसे हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे पका लेंगे। मेरी प्याज अब थोड़ी थोड़ी कलर चेंज हो गई है, इसे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे हम। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, टमाटर को भी मिला लेंगे अच्छे से। टमाटर को मिलाने के बाद अब हम इसमें वो मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। नमक टमाटर में डालने से जल्दी टमाटर गल जाता है, तो इसमें मैंने साथ में ही सब कुछ डाल दिया है। अब इसे मैं चला रही हूँ। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, मैंने वो मसाले में पानी मिला के डाल दिया है ताकि वेस्ट ना हो जाए। तो मैं इसे मिला के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये मेरा तड़का पक गया है, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे पकाया है। आप इसे स्लो मीडियम फ्लेम पे पकाइए। अब मैं इसमें उबला हुआ दाल डाल दूँगी इसमें।
दाल डालने के बाद अब इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। 5 मिनट इसे हम इसी के साथ बॉईल कर लेके इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। अब हमारी दाल फ्राई रेडी हो चुकी है, इसे हम अब सर्व करेंगे। मैं इसे रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप राइस, नान, पराठा किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें।